हेलो गाइज तो आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2021 में जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 नीट के लिए हैं तो हम लोग जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ए आई नीट तो पहले ए आई के नाम से ये होती थी तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से पहले एग्जाम होती थी तो इसके हम लोग 2001 से लेके 2001 से लेके 2020 तक ट्वेंटी 20 तक जितने भी पेपर हुए हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये जो पेपर नंबर है ये 2005 का है 2005 का ये बायोलॉजी का पेपर है जो हम लोग आज के इस वीडियो में ये सेकेंड वीडियो है ये डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वन टू नाइन हुइज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीसीज यह कह रहा है स्पीसीज के रिस्पेक्ट में कौन सा कहें इसमें जो दिया गया है ए बी सी डी उसमें से कौन सा नॉट ट्रू कौन सा सही नहीं है तो फर्स्ट देख लीजिए मेम्बर्स ऑफ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड जो स्पीसीज मेम्बर्स होते हैं इंटरब्रीड करते हैं तो सही है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज सी ऑप्शन ईच स्पीसीज ये कह रहा है जीन फ्लो जो होता है डज नाट अकर डिजिन का फ्लो नहीं होता है बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज के और सी ऑप्शन कह रहा है ईच इज रिप्रोडक्टिवली मतलब ईच स्पिस रिप्रोडक्टिवली जो होती हैं वो आइसोलेट कर दी जाती हैं आइसोलेटेड कर दी जाती हैं फ्राम एवरी अदर स्पसीज तो अगर अदर स्पेसीज से आइसोलेट मीन्स होता है सेपरेट कर देना तो सेपरेट तो कर देंगे तो फिर रिप्रोडक्टिवली वो कैसे करेंगे तो फिर इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा वन ट्वेंटी नाइन का वन ट्वेंटी नाइन का कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए इसमें सी सी क्या कह रहा है दूसरी स्पेसीज से आइसोलेट कर दी जाती हैं तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग वन टू नाइन वन एक सौ उनतीस नंबर के पहले जितनी भी क्वेश्चन है ये वीडियो नंबर सेकेंड है इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस वन ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हुईज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पेसीज स्पेसीज के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना कौन सा कथन नॉट ट्रू मीन्स सही नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मेम्बर्स ऑफ स्पेसीज कैन इंटरब्रीड तो इंटरब्रीड करते हैं स्पेसीज मेंबर तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है सेकेंड ऑप्शन कह रहा है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ कह रहा जीन जीन फ्लो फ्लो स्पेशन माइग्रेशन वाला जैसे ई e माइग्रेशन और माइग्रेशन नहीं था जैसे मान लो कि किसी स्पेशज को ई e माइग्रेशन आना होता है और आई माइग्रेशन ये देख लीजिए ई माइग्रेशन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ई माइग्रेशन मीन्स क्या होता है तो ई माइग्रेशन मीन्स होता है ई मतलब जाना होता है और अगर कहीं पे लिखा होता आई माइग्रेशन आई आई लिखा होता आई डबल एम आई जी आर ए टी आई ओ एन तो इसका मतलब होता है आना होता है आई माइग्रेशन आई जैसे आई मीन्स आना तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं तो ई e माइग्रेशन और आई माइग्रेशन होता है इसी से तो जीन फ्लो होता है तो फर्स्ट ऑप्शन ये गलत हो जाएगा यही सही हो जाएगा जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज स्पेसीज के बीच में ही तो जीन फ्लो होता है बट ये कह रहा है जीन फ्लो नहीं होगा तो इसीलिए ये गलत है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वन थर्टी देख लीजिए न्यूक्लियो

क्योंकि जो इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस प्योरिन नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं जो प्योरिन और पीरीमिडीन होती है एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल होती है प्यू प्यूरिन और पिरीमिडिन से पी वाई आर ए यम आई डी ए भी क्वेश्चन आप लोग प्योरिन भी जान लीजिए प्योरिन जो होती है एडिनिन और ग्वानिन ही होता है प्योरिन और इसमें साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन होते हैं तीन होते हैं था पीरीमिडीन तो इसी से बन के बनता है तो ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फार तो सेंट्रोमियर क्यों आवश्यकता पड़ता है सेंट्रोमियर का तो सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जिसमें दोनों क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड जो होते हैं वो आके जुड़ते हैं जैसे ये देख लीजिए यही होता है ये होता है फिर ये फिर ये यही होता है क्या होता है सेंट्रोमियर होता है जिसमें क्रोमोसोम के क्रोमेटिड ये क्रोमेटिड है यहीं यहाँ पे आके जुड़ते हैं तो यही सेंट्रोमियर होता है तो इसका वन थर्टी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम टूअर्ड पोल्स तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ग्लोबल फूड मैक्सिमम ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये कह रहा है थ्री क्रॉप्स हम लोग को देखना जो कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम ग्लोबल फूड ग्रेन्स में तो वो होती है व्हीट होता है गेहूँ राइस और मेज़ ये देख लीजिए कौन सा वन थर्टी टू का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा गेहूं होता है राइस होता है मक्का होता है मेज होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वन थर्टी थ्री का देख लीजिए एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पल्प फार पेपर तो इंडस्ट्री फ्रॉम द उडी टिशू आ प्लांट तो हम लोग का जो पेपर बनाते हैं तो किस पल्प से जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है ओडी टिशू में तो वो क्या होता है तो वन थर्टी थ्री का ऑप्शन नंबर जो लेगनिन जो होती है यही ऑर्गेनिक मटेरियल होती है यही तो सेल्यूलोज फार्म करती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए प्रिप्रेशन ऑफ पेवर बाय रिमूविंग लिगनिन के द्वारा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा प्लांट के कहीं की बात करें तो सेलुलोज आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुई ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ये माइक्रो न्यूक्लियस फॉर ट्रॉफिक फंक्शन एंड वन आर मोर माइक्रो न्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्टिव ये कह रहा है माइक्रो न्यूक्लियाई जो छोटे वाले न्यूक्लियस होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं और जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो फूड स्टोरिंग के लिए होते हैं दो कह रहा है कि यूनिसेलुलर आर्गनिज्म भी होते हैं बट उनमें न्यूक्लियस माइक्रो भी होता है माइक्रो भी होता है, तो वो तो राम एसीएम ही होता है डायरेक्ट हम लोग ये क्वेश्चन काफी दो चार बार कर चुके हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो ऑप्शन नंबर से ही करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच अब ये देखना है कि इसमें दिया गया है इधर दिया गया कौन सा करेक्ट है बेसल कन्वेक्शन के लिए बायोडायवर्सिटी कोटो प्रोटोकॉल के लिए क्लाइमेटिक चेंज मोनोट्र प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग या राम रा, रामासर रामसर कन्वेंशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्विटो प्रोटोकॉल किसके लिए था क्लाइमेटिक चेंज के लिए ही था कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा वन थर्टी फाइव का ऑप्शन नंबर क्लाइमेटिक चेंज क्लाइमेटिक चेंज क्या होती है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ही तो रिड्यूस किया जाता था ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस कमिट स्टेट के लिए ग्रीन हाउस के लिए होती है और मोनोटार प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग दे दिया गया मोनोटार मोनोट्राल प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए एक एक सेटलमेंट एक ट्रेटी बनाई गई थी संधि बनाई गई थी जिसमें हम लोग क्या करते थे जिसमें मोनोट्राल प्रोटोकॉल जो था इसमें किसके लिए बनाई थी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए बनाई गई थी, थी जिसमें हम लोग रिड्यूस करते थे ओजोन के लिए होती है डायरेक्ट आप लोग याद ये लोग करके रखिए कि ओ जेड ओ जेड ओ ई ओजोन ओ जेड ओ यानी ओजोन के लिए ये होती है ये आपको पता होना चाहिए बट इस ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट है एकदम माचा क्लाइमेटिक चेंज के लिए कीटो प्रोटोकॉल शब्द यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स प्राम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग गलत स्टेटमेंट देखना है प्रॉन हैज टू पेयर्स ऑफ एंटीनी तो ये क्वेश्चन एकदम फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इसमें वन पेयर होता है यहाँ पे टू लिखा है तो यहाँ पे वन होना चाहिए वन पीयर एंटीनी पाई जाती है किसमें प्रॉन में पाई जाती है आर्थोपोर्ट का मेंबर होता है इंसेक्ट होता है वन थर्टी सिक्स का तो यही प्रॉन जो वन पियर एंटीनी पाई जाएगी तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है और एक गलत पूछ भी रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ये देख लीजिए फोटो सिंथेटिक ए से एक्टिव आर से रेडिएशन हाईज द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में वेब की जो रेंज होती है वो कितना होती है तो 400 से 700 सौ जहाँ भी लिखा होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो अब आप लोग ये ऑप्शन देख लीजिए नाइनो मीटर में होगा तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 137 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगर इतना रेंज देता है अगर मिलेगा तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए इतनी रेडिएशन चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 देख लीजिए 138 एकदम सिंपल क्वेश्चन है हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जहाँ पे पूछा जाए वो आप लोग ग्लाइसिन तुरंत वहाँ पे लगाइए क्योंकि ग्लाइसिन का फार्मूला चलिए आपको बता देते हैं ग्लाइसिन का फार्मूला ये आप लोग इसमें कोई ये देख लीजिए कोई सब्सिट्यूंट ग्रुप होता ही नहीं है तो यच टू यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर सी डबल ओ एच ग्रुप लगा दीजिए इसमें केवल ओनली एक अमीनो ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है एक कार्बाक्सलिक ग्रुप होता है सी डब्लू एच को कार्बाक्सलिक ग्रुप होता है इसमें ना तो सब्सटीट्यूमेंट ग्रुप होता है ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है इसीलिए तो इसको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहते हैं तो ये आप इसका स्ट्रक्चर यही होता है ग्लाइसिन का तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इसमें कोई सब्सिटीट्यूमेंट ग्रुप है ना कोई फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए इसको क्या कहते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिव इम्ब्रियोनिव एडवानटेटिव इम्ब्रियोनी यहीं से क्वेश्चन ये हम लोग सही करेंगे एडवन एडवान्टेटिव इम्ब्रियोनी इम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्राम तो इसमें एपोमिक्सिस इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता फार फास्ट एपोमिक्सिस किसके लिए यूज करते हैं तो ये सीड के लिए यूज किया जाता है तो इसमें क्या होता है इसमें जो इम्ब्रियो बनता है इसमें न्यूसलस से होता है एंटीगोमेंट या न्यूसलस से बनी जाता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा वन थर्टी नाइन का क्योंकि 139 में एडवनटिटिव इम्ब्रियोनी इम्ब्रियो जो होती है एराइज होती है इम्ब्रियो बनती है कहाँ से एक टीशू से बनती है जो आउटसाइड साइक की टीशू होती है ये आउटसाइड साइक की टीशू है न्यूसिलस या इंटेगुमेंट है तो इसी से ये फार्म बन जाती है जनरली ये मतलब इम्ब्रियोशैक ही बनती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुइज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये हेरीडेटरी डिजीज़ अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेरीडेटरी डिजीज इसमें से कौन सा नहीं है तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रहा है इसमें पहले तो ये लगाते हैं कौन सा सही है तो इसमें क्रेटिनिज्म सही हो जाएगा क्योंकि ये हेरीडेटरी डिजीज नहीं है ये हाइपोसिक्रीसन जब थारयड हार्मोन जो होती है टी एच वाई आर ओ आई डी थायरॉयड थायरॉइड क्या थार पहले आप लिख सकते हैं थायरॉइड एच ओ आर एम -E ओ थायरॉइड हार्मोन का जब क्या हो जाता है कम सिक्रीशन होता है तब आपको क्रेटिनिज्म हो जाती है तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इसमें सिस्टिक फाइब्रोस हीमोफीलिया पहले देख लेते हैं हीम्योफीलिया तो सेक्स लिंग रिसेसिव डिजीज़ है और इसमें थैलेसीमिया क्या है थैलेसीमिया जो जीन म्यूटेशन की वजह से थैलेसीमिया हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चैन में तो चेंज हो जाती है और फाइब्रोसिस क्या है ये तो रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस तो ये चीज़ है इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन ह्यूमन फीमेल्स विकास इसमें कह रहा है हीमोफीलिया जो होती है मोर कॉमनली सीन सबसे अधिक देखी जाती है मेल्स में ह्यूमन मेल में फीमेल्स की अपेक्षा तो हीमोफीलिया जो होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है इसलिए 141 का फीमेल जनरली जो होती हैं वो कैरियर का काम करती हैं अगर मान लीजिए ये फीमेल है और ये मेल है तो ये देख लीजिए ज़्यादा इसीलिए होती है अगर ये अगर इस पर रहेगा तो ये तो कैरियर का ये कैरियर का सिंबल है अगर ये कब होता है डिजीज इसपे भी हो जाता है अगर हीमोफीलिया हो जाए दोनों लिंक पे तब होता है तब ये डिजीज कंडीशन मानी जाती है अगर एक पे सिर्फ रहेगा तो कैरियर मानी जाएगी ब, बट अगर दोनों पे हो जाएगा तब तो ये लीथल हो जाएगी मर जाएगी मतलब डेड कर जाएगी इसीलिए कैरियर का काम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कैरियर का वर्क करती हैं ऐसे होता है यक्स 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 तो ये हीमोफीलिया कंडीशन या कैरियर ये, ये फैलाएंगी तो इसमें डिजीज रहता नहीं डोमिनेंट नहीं रहता है अगर डोमिनेंट डिजीज हो जाए तो तो मर जाएंगे इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा वन फोर्टी वन का ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट देख लीजिए द डिजीज इज़ ड्यू टू अन एक्स लिंग रिसेसिव म्यूटेशन ये एक्स लिंग रिसेसिव म्यूटेशन ही होती हैं तो मेल्स में एक एक्स एक ही होता है दो एक्स तो होते नहीं इसीलिए एक ही पर होगा और ये डिजीज कंडीशन शो करती हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो चलिए इसके आगे वन टू से नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर थोड़ा स्किप करके देखते हैं और कंप्लीट देखते नहीं हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फोर्टीन मिनट की वीडियो है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें क्योंकि आप ही लोग हेल्प के लिए चैनल क्रिएट किया गया तो आप लोग चैनल को प्लीज़ हेल्प करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये काफ़ी आप लोग को हेल्प करना है इस चैनल के लिए तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यू